आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक दावेदारों ने अरनोद क्षेत्र से किया चुनावी संकनाद, दिखाया जोश। प्रतापगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक दावेदारों ने अपना चुनावी संकनाद अरनोद उपखंड क्षेत्र से शुरू किया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा और बाप की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद आज चुनावी संकनाद अरनोद उपखंड क्षेत्र से शुरू हो चुका है। इसी के तहत अरनोद के महाराणा प्रताप स्टेडियम में कांग्रेस के विधायक दावेदार रामलाल मीणा ने युवा महोत्सव के तहत अपने चुनावी संकनाद शुरू किया है। इस दौरान यहां पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं विधायक के उम्मीदवार रामलाल मीणा के साथ मौजूद रहे और विधायक दावेदार रामलाल मीणा की पत्नी वर्तमान जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने भी अपने पति के पक्ष में कांग्रेस पार्टी को मतदान करने की युवा एवं आमजन से अपील की है। प्रतापगढ़ विधानसभा में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सभी अपने अपने समीकरणों के जोड़ तोड़ में लगे हैं, जहां एक ओर कांग्रेस बीजेपी अपने अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टी के जाने माने चेहरे भी अपनी अपनी पार्टियों में शामिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसा ही नजारा आज कांग्रेस उम्मीदवार विधायक के रामलाल मीणा की प्रतापगढ़ विधानसभा के अरनोद उपखंड में आयोजित चुनावी सभा में देखने को मिला है। कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल मीणा ने दोनों ही प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा और बाप के प्रमुख चेहरों को मंच पर बिठाकर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। कांग्रेस में शामिल होने वाले बिरानी सरपंच धनराज मीणा भारतीय आदिवासी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दतियार पंचायत समिति सदस्य रकब चंद मीणा व वीरपुर पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण मीणा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। बाबूलाल डामोर मनोहरगढ़ से भारतीय आदिवासी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा ने अरनोद उपखंड क्षेत्र के दरोट, साखथली, अम्बीरामा, बचुंडला क्षेत्र में अपना चुनावी बिगुल बजाया है। वहीं अम्बीरामा दलोट में भाजपा प्रत्याशी हेमंत मीणा ने भाजपा के कार्यालय का फीता काट कर शुभारम्भ किया। वहीं दोनों पार्टी के बीच में तीसरा मोर्चा भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार मांगीलाल नीनामा ने भी प्रतापगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों के साथ अपने चुनाव का संकनाद शुरू कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि तीनों ही उम्मीदवार एक दूसरे के ऊपर तीखे प्रहार करते हुए